Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. ये बताने निकले हैं कि अगली बार जब आप वोट कीजिए तो लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, वोट उसको कीजिए जिसको हम लोग इस पूरे अभियान में समाज से ढूंढ कर निकालें, जो समाज को ठगे नहीं, जो समाज के साथ खड़ा रहे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला है। जनसुराज पदयात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने जनता से एक बार फिर बड़ी अपील की है। साफ कहा है कि बिहार में लोग अक्सर कहते हैं कि नीतीश, लालू या मोदी के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसे में पीके ने कहा कि लोगों को ही सही विकल्प बनाना होगा। आपको बता दें कि पीके यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जब समाज के अच्छे लोग मिलकर एक अच्छा विकल्प तैयार करेंगे तभी बदलाव होगा। बंधुआ मजदूर बनकर अगर आप वोट करते रहिएगा जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो उससे आपका और आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता है। आप हमको भी वोट कर दीजिएगा और मैं जान जाऊंगा कि अब ये बदलने वाले नहीं है, तो मैं भी वो काम नहीं करूंगा, मैं भी आपको ठग कर भाग जाऊंगा। ये बताने निकले हैं कि अगली बार जब आप वोट कीजिए तो लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, वोट उसको कीजिए जिसको हम लोग इस पूरे अभियान में समाज से ढूंढ कर निकालें, जो समाज को ठगे नहीं, जो समाज के साथ खड़ा रहे। ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को नोचना नहीं, समाज को कुछ देना चाहते हैं। ये पदयात्रा का पूरा पहला उद्देश्य है कि समाज से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें, समाज से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें जो इनका सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कुछ करना चाहते हैं। अब लोग हमसे पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सही है, कौन गलत है। ठीक बात है, कैसे पता चलेगा, किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि कौन सही है, कौन गलत है, तो कैसे पता चलेगा। जैसे दही से मक्खन मथ के निकाल देते हैं आप, दही सामने रहती है उसमें दिखता नहीं है कि मक्खन है, उसी तरह समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, वो लोग दिख नहीं रहे हैं। लेकिन समाज के साथ रहिएगा, बैठिएगा, बात कीजिएगा, मतिएगा, उससे मत के सही लोगों को निकाला जा सकता है। लोगों से यहाँ जब हम पूछ रहे हैं कि भाई आप वोट क्यों करते हैं भाजपा को, आप वोट लालू जी को क्यों करते हैं, आपको मालूम है कि ये आदमी आपका काम नहीं करने वाला है, पिछले 25-30 साल से आपको ठग रहा है, फिर वोट क्यों करते हैं, तो लोग बता रहे हैं भैया विकल्प नहीं है, क्या करें, विकल्पे नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाने इंग्लैंड से आदमी आएगा, विकल्प आज नहीं तो कल हम ही आपको मिलकर बनाना पड़ेगा। और मैं दल बना लूं तो वो विकल्प नहीं है, अगर हम दल बना लेंगे तो वो विकल्प नहीं है। विकल्प तब होगा जब बिहार के समाज के लोग जगेंगे और मिलकर एक विकल्प बनाएंगे ताकि कोई उसको ठग ना पाए। आपको यहाँ आए हैं ये बताने के लिए, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, चंदा नहीं मांग रहे हैं, अपने नाम का झंडा बैनर पोस्टर नहीं लगाए हैं, आपसे क्या मांग रहे हैं। आपसे दो ही चीज सुनने आए हैं कि आप हमें ईमानदारी से बताइए कि आपकी समस्या क्या है, उसके बारे में जाने समझे। ये आप बताइए कि क्या करने से इस गांव की, इस पंचायत के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। और दूसरा ये बताइए कि आपके गांव में, आपके समाज में, आपके पंचायत, आपके शहर में कौन से ऐसे लोग हैं जो सही लोग हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर से 3500 किलोमीटर की जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत की है। वो लगातार यात्रा करके गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रशांत किशोर ने नीतीश लालू पर हमला बोला है। इससे पहले भी कई बार नीतीश लालू समेत कई नेता पीके के निशाने पर आ चुके हैं और इस बार तो उन्होंने पीएम मोदी को भी खूब घेरा है। पीके की बातों का लोगों पर कितना असर होता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।